नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीके सक्सेना के बारे में। जी हाँ, वीके सक्सेना जिन्हें अभी हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले बात करें अभी हाल ही में जो विनय कुमार सक्सेना है, इन्हें दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई। इसके साथ ही साथ पता होगा कि अभी हाल ही में जो 18 मई बीता है, इस 18 मई को दिल्ली के पूर्व राज्यपाल अनिल बैजल ने निजी कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि जो अनिल बैजल हैं, इन्हें वर्ष 2016 में नजीब जंग के स्थान पर दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है कि जो अनिल बैजल है, यह दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल थे। इसके साथ ही साथ बात विनय कुमार सक्सेना की करें तो जो विनय कुमार सक्सेना है, ये वर्तमान में खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि जो KVIC है, इसके चेयरमैन है। साथ ही साथ विनय कुमार सक्सेना के द्वारा वर्ष 1991 में एक गैर लाभकारी NGO जिसका नाम था नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज, इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज था, यह असल में भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त थी। साथ ही साथ बात करें दिल्ली से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जैसा कि पता होगा कि भारत के अंदर कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। और ये जो प्रशासक या फिर कह लो जो उपराज्यपाल होते हैं, यह असल में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 41 तक केंद्र सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जिक्र मिलता है। साथ ही साथ जो दिल्ली और पुदुचेरी है, ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा और मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। असल में इसकी स्थापना संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 के अनुच्छेद 239A(1) के तहत इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में जो मंत्रिमंडल होते हैं, इन्हें राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। हालांकि राज्य सूची के अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इन तीनों ही मुद्दों को छोड़कर बाकी जितने ही मुद्दे राज्य सूची में आते हैं और जो भी संवर्ती सूची के विषय हैं, उन सभी के रिगार्डिंग ये दो केंद्र शासित प्रदेश कानून बना सकते हैं। अच्छा, संवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस पर फैसला ले सकती है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जो एडुकेशन है, यह असल में कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। और अब बात करते हैं जो दिल्ली है और जो केंद्र सरकार है, इन दोनों के बीच कई दफ़ा विवाद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और ये बात तब और भी ज़्यादा बढ़ गई जब केंद्र सरकार के द्वारा GNCTD नामक एक बिल पेश किया गया था। आज की इस वीडियो में हम इस बिल के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश की सत्ता में आई थी, और वर्ष 2015 में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता में आई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा था कि जो उपराज्यपाल है और जो केंद्र सरकार है, वह उसे सही से काम करने नहीं दे रहे हैं। हालांकि ऐसे कई उदाहरण भी मिले जब उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के निर्णयों पर अनावश्यक ही रोक लगा दे रही थी, जिसके बाद वर्ष 2018 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जहां से फरवरी 2019 में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। सुप्रीम जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा यह कहा जाता है कि जो दिल्ली है, इसके अंतर्गत जो कानून बनाने और साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं, इसे लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। हालांकि इसके बाद वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक यानी कि GNCTD बिल 2021 पारित किया, जो कि वर्ष 1991 के मूल कानून में संशोधन करता था। इस GNCTD बिल के लागू होने के बाद जो दिल्ली सरकार है, ये कोई भी योजना को लागू करने से पहले उस योजना से संबंधित प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजना होगा। इसके साथ ही साथ अगर यह प्रस्ताव विधायिका सुझाए फैसलों से रिलेटेड है, तो वैसे कंडीशन है उपराज्यपाल से 15 दिन पहले, और अगर प्रशासनिक मामलों से रिलेटेड है तो 7 दिन पहले इसे उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होती थी। अगर उपराज्यपाल के द्वारा इसे पास कर दिया गया, तभी दिल्ली सरकार इस उस पर्टिकुलर योजना को लागू कर सकती थी। अब इसे हम लोग साधारण सी भाषा में समझते हैं। जैसे सपोज करो कि जो दिल्ली सरकार है, इसे अगर आने वाले दिनों में 10 और नए मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने हैं,
तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले दिल्ली सरकार को वहाँ के जो उपराज्यपाल है उन्हें एक प्रस्ताव भेजना पड़ेगा कि जो दिल्ली सरकार है वह 10 नए मोहल्ला क्लिनिक्स और बनाना चाहती है। अब ऐसे कंडीशन में अगर उपराज्यपाल इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तभी दिल्ली सरकार दिल्ली में उन 10 मोहल्ला क्लिनिक्स को बनवा सकती है। इसके अलावा हालांकि इस संबंध में यानी कि जो GNCTD बिल था इसके रिगार्डिंग जो केंद्र सरकार है इसका भी अपना पक्ष था। इसके अकॉर्डिंग यह कहा गया था कि ये जो GNCTD बिल है ये असल में वर्ष 1991 के मूल कानून को और भी स्पष्ट यानी कि और भी क्लैरिफाई करता है। तो बस यही था हमारा, ये जो दिल्ली और केंद्र के बीच जो विवाद था या इसी वजह से कई अभी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में बना रहता है। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही साथ जो सब्सक्राइब है इसके बगल में घंटे का आइकन है इसे भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।